Hi guys, welcome back. In today's video, I hope you all are safe and doing well, enjoying your time. So, आज की वीडियो होने वाली है रैंडम एसेंशियल आइटम फ्रॉम मीशो. जब भी मैं वीडियो शूट करने का प्लान करती हूँ तो लाइक ज्वेलरी हॉल, जींस हॉल, ड्रेस हॉल, कुर्ती हॉल, इस तरह से कैटेगरी वाइज हमेशा मैं वीडियो शूट करती हूँ. सो इस बार मैंने ऑर्डर तो बहुत सारे आइटम किए हैं, लाइक जो रैंडमली डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज आ जाते हैं. अगर कैटेगरी बांटो तो ऐसा कुछ कैटेगरी नहीं बन पाता है, पर हाँ एक कैटेगरी जरूर मैंने फिक्स की है, दैट दे ऑल आर अंडर 199 rupees. एंड स्टार्टिंग प्राइस मैं बताऊँ तो 65 rupees होने वाले. सारे आइटम मैंने आज की वीडियो के लिए सेलेक्ट किए हैं. आई रियली होप कि आप इस वीडियो को रिलेट कर पाओ एंड इन सारे कैटेगरी, इन सारे आइटम में से आप कुछ भी आप बाय करने का प्लान कर रहे थे या नहीं भी बाय करने का प्लान कर रहे थे, सिर्फ आप चेक करना चाहते हो कि एक्चुअली कैसा आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. एंड अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कर देना, सो दैट जब भी मैं वीडियो शेयर करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाए. सो इस तरह से आप मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो पाओ. सो लेट्स गेट स्टार्टिंग वाला है. तो स्टार्टिंग जो है 65 rupees की मैंने ये वाली बाइक की है. एंड सेम इसी तरह की जो कलर वाली थी मैंने बाइक की थी एंड आई थिंक मैंने अमेजोन वाले हॉल वीडियो में शेयर किया था. एंड ये प्लेन बिल्कुल सिंपल वाला सबसे कम प्राइस जो था मैंने सेलेक्ट किया. और जब मैंने ऐड टू कार्ट किया तो पता चला इसमें शिपिंग चार्ज इंक्लूड करके 110 rupees पहुँच ही जा रहा है. तो ऑफकोर्स आपको लोकल मार्केट में आई थिंक 60-70 rupees में तो मिल ही जाना चाहिए. आई डोंट नो, मैंने अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया क्योंकि मेरा उतना निकलना होता नहीं है, बहुत रेयरली मेरा निकलना होता है. इस तरह से आपको पैकेट मिल जाते हैं, 100 nails यहाँ पे मेंशन है. ये प्लास्टिक के हैं, बहुत ऑरिजिनल दिखने में लगते हैं, मेड इन चाइना ऑफकोर्स. एंड इसके साथ आपको एक ये लिक्विड मिल जाता है जो ग्लू है, जो आप यहाँ पे अप्लाई करते हो एंड इसके बाद ये वाले नेल आप स्टिक कर लेते हो, बहुत अच्छे से शेप में आपके स्टिक हो जाते हैं. सारे फिंगर्स की शेप के आपको नेल यहाँ पे मिल जाते हैं एंड ग्लू मिल जाता है, तो अप्लाई कर सकते हो. एंड कॉलेज एंड स्कूल ज़्यादातर टीनेजर को अलाउड नहीं होता है कलर करना, नेल पॉलिश अप्लाई करना, तो आप इस तरह से फर्स्ट नेल भी अप्लाई कर सकते हो एंड ये वाला जो पर्पस है ना सॉल्व कर सकते हो. तो दिस इज फर्स्ट वन. सो नेक्स्ट गाइस, मैंने 10 piece प्रोफेशनल कॉम किट मैंने ऑर्डर किया है. सो टोटल 10 piece आपको कॉम मिल जाती है, लाइक सिंगल अगर आप चाहो तो सिंगल आप क्रिस क्रॉस एंड इससे दो साइड एक साथ. मैंने सोचा चलो वीडियो के लिए भी हो जाएगा एंड बहुत सारे एथनिक इंडियन लुक्स ट्राई करते हैं ना तो मेरे काम आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये वाले कॉम ऑर्डर किए. एंड सिंगल कॉम आई थिंक 70 rupees का पड़ रहा था एंड पूरा 10 piece का जो कॉम सेट था वो आई थिंक 150 या 145 मैंने पे करा है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी मुझे वर्थ बाइंग लगा. कॉम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, 10 piece है, वर्थ बाइंग है. सो नेक्स्ट मैंने एक कार्ड होल्डर मंगाया है फ्रॉम मीशो. एंड इसके पहले मैंने अमेजोन से मंगाया था जो ऑलरेडी अमेजॉन हॉल वीडियो मैंने शेयर किया. सो इस तरह से आपको बहुत अच्छा बॉक्स में एंड एक रिटर्न कार्ड भी है. डियर कस्टमर, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर शॉपिंग विद अस, वी होप यू आर. तो इस तरह से कार्ड आपको मिल जाएगा एंड ये है कार्ड होल्डर एंड बहुत अच्छी फिनिशिंग है, लाइक यू कैन सी पीयू लेदर काइंड ऑफ, जो भी पीयू ही लेदर होगा ऐसा टेक्सचर मिल जाता है. एंड ये मैग्नेटिक लॉक, इस तरह से मैग्नेटिक लॉक है यहाँ पे कार्ड में ले रखा हुआ है. एंड यहाँ पे आप देख रहे हो वेलवेट की टेक्सचर है एंड स्टील काइंड ऑफ यहाँ पे जो भी कारण से यहाँ पे स्टिक हो जा रहा है, तो आप बंद करते हो अपने आप लॉक हो जाता है. एंड यहाँ पे 5 to 6 7 कार्ड आराम से आ जाएंगे, तो मुझे काफ़ी यूजफुल लगा. सेम जैसे ये वाले जो इस पोजिशन में है वो इस वाले पोजिशन, वो 100 या 110 rupees का था, तो इससे भी चीप प्राइस का था, वो भी काफ़ी अच्छा था, उसके भी रिव्यू काफ़ी अच्छे थे. इसका शायद कोई रिव्यू नहीं था मे बी. इस सेम सेलर के पास बहुत सारे कार्ड होल्डर मिल जाएंगे, जैसे पार्टीशन वाले जो होते हैं ना, पार्टीशन बना रहता है कार्ड रखते हो, तो मुझे वो काफ़ी ओल्ड फैशन लगा, मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया. इससे काफ़ी कम प्राइस थी एंड सेम पर्पस आपको सॉल्व कर देगा, तो दिस इज नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट, बहुत टाइम पहले मैंने गजरा बाय किया था, आई थिंक पता नहीं वीडियो, हाँ मैंने 30 लुक शेयर किया था लास्ट ईयर एंड उसमें मैंने ये वाला गजरा उसी लुक के लिए मैंने ये मंगाया था. तो
काफी रियल लगता है। एंड इसमें चाहो तो इत्र या परफ्यूम तो नहीं आते, इत्र आप अप्लाई कर लो, ये जो फ्लावर वाले होते हैं तो काफी रियलिस्टिक फील आएगा। एंड स्मेल एंड दोनों साइड ये धागे डोरी है जो आप बाइंड कर सकते हो ब्लैक कलर का। एंड ये बहुत स्ट्रेचेबल है, जैसे चाहो वैसे मुड़ जाएगा, तो इस तरह से आपके कचरे के अंदर आ जाएगा। एंड लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा था, आई थिंक 140-134 ऐसे ही प्राइस में मैंने बाय किया है। सो नेक्स्ट ऑफकोर्स बात आती है कोविड एंड सिचुएशन की, तो मास्क तो बनता है। तो मास्क काफ़ी सारे मिल जा रहे थे, मैंने 50 पीस का बाय किया था। एंड मुझसे वो जो फैब्रिक वाले होते हैं ना मास्क नहीं हो पाते, बहुत सफोकेशन होने लगता है, हेडेक होने लगता है, देन माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम है मुझे। तो मैंने ये वाले मास्क ऑर्डर किए 50 पीस के, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। इसके बाद मैंने ब्लैक कलर का इस बार ऑर्डर किया है, वो अगर आ गया तो क्लिप मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगी। सो नेक्स्ट इस तरह के आप बच्चों के भी मास्क 30 पीस, मतलब 10 का कॉम्बो आ जाता है मास्क, इस तरह से छोटे छोटे मास्क रहते हैं, बहुत क्यूट से N95 मास्क मिल जाते हैं आपको, सारे कलर्स में आपको मिल जाएगा। देन ये वाला मास्क भी बहुत क्यूट लग रहा था, सो इसमें ऑरेंज ब्लू इस तरह से कलर्स मिल जाते हैं। ये भी कॉम्बो में था, 191 रुपीज़ का था। तो ये मास्क इसमें आपको इस तरह से इलास्टिक मिल जाती है जो ठंडी में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती है, कोई हैंडल मिल जाता है। सो देन नेक्स्ट मैंने 5 पीस का सेट था, क्लिप वाले जो सेट थे, तो 1-2 मंथ हो गया होगा मुझे बाय किए हुए, पर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे बाल पे ये टिकती ही नहीं है, लाइक आपके सामने मैं अप्लाई कर रही हूँ, मेरा बाल बहुत थिन है यार, इसलिए तो कुछ स्टाइलिंग नहीं कर पाती हूँ। सो देखो नहीं हो पाता, तो जिनके थोड़े घने हैं वो ट्राई कर सकते हैं, मेरे बाल थोड़े से सिल्की टाइप के भी हैं, तो इसलिए ये होल्ड ही नहीं हो पाता, ऊपर टिकेगा ही नहीं तो क्या। पर अदरवाइज लुक वाइज बहुत सुंदर लग रहा था, गोल्डन कलर एंड बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरह से दो अभी मुझे दिखे तो मैंने सोचा इस वीडियो में इंक्लूड कर दो। देन नेक्स्ट मैंने बहुत टाइम पहले रबर बैंड मंगाया था, रबर बैंड जो होते हैं ना बहुत जल्दी खो जाते हैं चाहे कितना भी बाय कर लो। तो एक ये वाला कैटेगरी ये था, इसका अभी कुछ भी नहीं मिल रहा, 5 या 6 का सेट मैंने मंगाया था सिंगल, ये मुझे मिला अभी, तो ये वाला बहुत सॉफ्ट है, अच्छा लगा था। फिर नेक्स्ट मैंने ब्लैक कलर में, ये ब्लैक वाला भी नहीं दिख रहा है, तो इसकी जो क्लिप मैंने ले ली थी जब मैंने पैकेट ओपन किया था, तो ओपनिंग मैंने वीडियो ले लिया था, तो यहाँ पर देख सकते हो। अदरवाइज इस तरह से 18 पीस का 124 रुपीज़ में मैंने बाय किया है। अगर लोकल मार्केट से बाय करोगे पता नहीं इतना ही पड़ेगा या इससे कम पड़ेगा, अगर आप मेरे जैसे कंडीशन में हो, ज़्यादा निकल नहीं सकते तो ऑर्डर कर सकते हो, घर पे पहुंच जाएगा 124 रुपीज़ में। सो नेक्स्ट मैंने कुछ हैंगर्स मैंने ऑर्डर किए थे एंड कुछ नहीं बहुत सारे, मतलब 2 का सेट 12 टोटल 24 मैंने हैंगर ऑर्डर किए थे, जिसमें इसका ये ब्लैक वाला जो है ना निकल जाता है, ऑलमोस्ट सभी से निकल ही जाता है, आप जितने पर जाओ इसका जो ये है ये भी लूज हो जाता है इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। पर अगर आपको इससे सस्ता कहीं नहीं मिल रहा है मेरी तरह, तो आप ऑर्डर कर सकते हो, मीडियम साइज़ का है, पर्पस सॉल्व कर देता है, बस कपड़े बहुत ज़्यादा हैं तो मैंने मंगा लिए, क्योंकि मार्केट में भी आई थिंक 250 या 260 300 का अराउंड मिल रहे थे, तो 170 रुपीज़ का 12 मिला, तो इस तरह से 2 मैंने मंगा लिए एंड सारे अभी लगे हुए अंदर, तो इसलिए ये रहे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट मैंने बहुत टाइम पहले ये वाला जो है ना मिनी सीलर, कोरिया टाइप मिनी सीलर मैंने देखा था, आई थिंक शीन जब तक था इंडिया में, तो शीन पे इस तरह के आइटम दिख जाते थे क्यूट वाले, या क्लब फैक्ट्री में थे शायद। तो ये वाले मैग्नेट यहाँ लगा रहता है जो फ्रिज के साइड में स्टिक हो जाता है, एंड यहाँ पे आपको 2 बैटरी लग जाती है, तो ये सोच के मैंने बाय किया था कि अगर ये काम आ जाए, इस तरह से लॉक हो जाता है, मतलब टेबल लग रहा है देखने में कि काम कर ही जाएगा, पर काम कुछ नहीं आता है। मैंने ये बाय किया है एंड जब भी मैं सील करने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी पाउच होते हैं ना हम ओपन करते हैं, लाइक चिप्स हो गया या जो फूड रिलेटेड पैकेट जो होते हैं, उसको सील करने की मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं हुआ, तो टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, ये मैं रिटर्न करने वाली हूँ क्योंकि ये कोई काम। नेक्स्ट मैंने एक शॉपर मंगाया है,
और क्या करूँ यार, अब किचन के आइटम जरूरत पड़ ही जाते हैं, आपके भी काम आ ही जाएगा। अगर आप पिज्जा बनाओ या कुछ भी बनाओ, चीला बनाओ, उत्तपम बनाओ, कुछ भी। तो इस तरह से चॉपर मैंने बाय किया 172 रुपीज़ में, मैंने बाय किया या 170 रुपीज़ में, ये बड़े साइज़ का है। 2016 या 17 में मैंने बाय किया था, प्रेस्टीज ब्रांड का, 500 रुपीज़ मैंने पे की थी। ये मैंने अमेजोन से बाय किया था, मैंने ये वाला ऑर्डर किया है एंड ये काफ़ी काम आ जाता है। एक मंथ से मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, एवरीथिंग बहुत अच्छा है। एंड एक मैंने पनीर मेकर मंगाया था, वो अमेजोन से था। नेक्स्ट एक सिलिकॉन का सॉक्स मैंने मंगाया था, जो कि मेरे कोई काम नहीं आया, मतलब मुझे कुछ खास इसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आया। एक तो पैर पर टिकता ही नहीं है, ये होल्ड ही नहीं हो पाता है, इसके जो ये होल है लगता है निकल जाएगा, फट जाएगा, पता नहीं क्या मैं बोलूं। तो इस तरह का सिलिकॉन सॉक्स है, बहुत सारे लोगों ने बाय किया था, मतलब बहुत टाइम से मैं देख रही थी। अगर आपके पास काफ़ी अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ अपनी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। सो दिस इज़ लास्ट वन एंड इसके बाद अगर कुछ बचा होगा तो नेक्स्ट मैं क्लिप्स ऐड। एक्चुअली मैंने एक, अब तो विंटर काफ़ी कम हो गई है, विंटर एक ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है, हल्की फुल्की बची है, पर मैंने ये बहुत टाइम पहले बाय किया था, मतलब ऑर्डर किया था। एक कैप मैंने ऑर्डर किया था और वो कैप किसी और कलर में रिसीव हुई थी, उसके बाद मैंने एक्सचेंज पे डाला, तो अब जाके मुझे ये एक्सचेंज वाला आइटम रिसीव हुआ है। अब आपके सामने ये पैकेट ओपन करते हैं और देखते हैं कि फिर से वही कलर आ गया या फिर सही कलर उन्होंने भेजा। ये फिर से वही कलर आ गया, तो मैंने स्काई ब्लू सी ग्रीन टाइप का कलर मैंने चूज़ किया था, पर ये रिसीव कुछ और ही कलर। बार बार ये मिशम होता है, अगर एक्सचेंज कोई चीज़ करने चाहो तो फिर से रिपीट वही आइटम रिसीव हो जाता है। पर ये इसकी प्राइस बहुत कम थी और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, अगर आपके फैमिली में मेल हो या फीमेल हो दोनों ही ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस आई थिंक 160 या 170 मैंने पे करी है, पर उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वार्म है, बहुत ज़्यादा वार्म है, इतनी कम प्राइस में आई थिंक मैंने कहीं नहीं देखा था। सो ये मेल के लिए आई थिंक ज़्यादा यूज़फुल होगा, पर पिक्चर जो था वो फीमेल मतलब गर्ल ने ये वेयर किया हुआ था, पर उस पर अच्छा लग रहा था, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो मुझ पर अच्छा लगेगा। तो एंड क्वालिटी सुपर फॉर्म है, इस प्राइस पे तो आई थिंक लोकल मार्केट में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं लोकल मार्केट मैंने कितना विजिट किया है, कहीं भी इतने कम प्राइस में तो नहीं मिला है विंटर में। तो इस दिस इज माय टॉप 15 जो मैंने बाय किया था, वर्स्ट एंड बेस्ट एसेंशियल आइटम फ्रॉम मीशो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक करके जाना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे यूट्यूब आपको नोटिफाई करता रहे और आप आराम से कनेक्टेड रह सको, इस चैनल से कनेक्टेड रह सको, इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सको। सो गाइस, इसी तरह की बहुत सारी वीडियो आने वाली है, लाइक शॉपी से भी मैंने ऑर्डर किया है एंड एक पैकेट मुझे रिसीव हो चुका है एंड आज मुझे नोटिफिकेशन आया था, देन बाकी पैकेट्स भी रिसीव होने वाले हैं, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो उसकी आ जाएगी। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, टेक केयर गाइस, बाय बाय।